नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वेलकॉट 6mg टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूले, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जो वेलकॉट 6mg टैबलेट मार्केट में आती है, रॉसवेल हेल्थ केयर कंपनी की आती है। 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 90 रुपये यानी 90 रुपीज़। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले, ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले। दोस्तों, इसके अंदर डेफ्लाजाकोट 6mg सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो वेलकॉट 6mg टैबलेट मार्केट में आती है, इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड नामक दवाओं के वर्ग का एक हिस्सा है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड वर्ग में ये इसको मोड़ा जाता है। ये आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो उपचार है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रगतिशील बीमारी है। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो बीमारी है, उसके लिए इसका मेनली यूज किया जाता है। ये जो बीमारी है, जिसमें मांसपेशियों ठीक से काम नहीं करती है, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोला जाता है, जिसमें मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती है। ये दवा, और भी आपको कुछ सूजन की शिकायत है, आपको ऑटोइम्यून रोग उसकी शिकायत है, एलर्जी की कुछ शिकायत है आपको, गठिया की शिकायत है, त्वचा की सूजन की आपको कुछ शिकायत है, संधि शोथ जैसी स्थिति आपको है, तो उसको इलाज के लिए ये दवा चल सकती है। और भी ये दवा, आपको कुछ अस्थमा की शिकायत है, रूमेटाइड आर्थराइटिस की शिकायत है, तो उसके लिए भी ये दवा दी जा सकती है। ये दवा कुछ प्रकार के कैंसर को भी ठीक करने में दी जाती है, कुछ दवाओं के साथ इसको एडिशनल दिया जाता है। तो बढ़िया दवा है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको हेडेक जैसी शिकायत हो सकती है, आपको वर्टिगो जैसी शिकायत हो सकती है, नौसिया जैसी शिकायत हो सकती है, आपको डिप्रेस मूड की शिकायत हो सकती है, आपको वेट गेन की भी शिकायत दवा की वजह से हो सकती है। और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको 1 टाइम इन अ डे, रोजाना एक टाइम इसको लेना है, दिन में से रोज एक गोली। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। तो बढ़िया दवा है, आपको जो शिकायत है, जो एलर्जी की रहें दो, फिर जॉइंट या फिर मसल डिसऑर्डर की रहें दो, अस्थमा की है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की है, तो उसके लिए बढ़िया दवा है। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।